तो ये रही लिस्ट, तो अब दिखाते हैं मम्मी क्या क्या लाई हैं। देख रहे हो कितना गंदा है। तो गाइस मम्मी बोल रही है कि 30 पे काफी महंगा पड़ गया, वैसे मैंने बनवाने चौन पैक हो रहा है मेरा, देख लो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब अच्छे होंगे। तो गाइस, एक नए सुबह, एक नया दिन और एक नई शुरुआत के साथ आज स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग जो है, ठीक है। तो अभी कुछ हम डिसाइड किए हैं, ठीक है। तो कुछ डिसाइड किए हैं और कुछ अभी जस्ट हम एक लिस्ट बनाए हैं। कल रात को पूरा रात को जग के हम वही किए, एक लिस्ट बनाया, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें मेरे को जो जो लेना है, मतलब जो जो रिकमेंडेड है मेरे लिए, मेरे बॉडी के नीड के लिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जितना भी जो चीज़ है सारा लिस्ट बना चुके हैं, डाइट प्लान सारा बना चुके हैं। अब उसको एक मतलब शेड्यूल में बस डालना है, ठीक है, कि हाँ ब्रेकफास्ट में क्या लेना है मेरे को, डिनर में क्या लेना है और लंच में क्या लेना है, ऐसे ऐसे सब चीज़ शेड्यूल में डालना है, ठीक है। तो हम सोचे हैं कि इसी चैनल पे अपना जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो बनाएंगे, अपने बॉडी का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, वो इसी चैनल पे डालेंगे, ठीक है। दूसरा चैनल नहीं बनाएंगे, इसी में सारा डालेंगे, शॉर्ट्स जो भी हो और ब्लॉगिंग जो भी हो, और इसमें सारा चीज़ बताएंगे कि हाँ हम क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, और वर्कआउट जो भी जो चीज़ हो। तो यही नया शुरुआत है मेरा आज का। और वैसे फ़िलहाल हम पटना आ चुके हैं, आज कल ही आए थे, तो आज थोड़ा सा रिकवरी हो रहा था, मतलब कि थोड़ा सा था, थक गए थे इसीलिए। तो गाइस, फिलहाल हम कुछ लिस्ट बनाए हुए हैं, जो जो चीज़ मेरे को मार्केट से ख़रीदना है और जो चीज़ मेरे घर में अवेलेबल नहीं है, वो सारा लिस्ट आपको दिखाते हैं हम जस्ट। तो ये रही लिस्ट, जो जो चीज़ हमको लेना है, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ मम्मी लेके आ गई हैं, ठीक है। और ओट्स का एक बड़ा पैकेट तो मेरे पहले से था ही, कुछ कुछ चीज़ मम्मी लेके आई, वो आपको दिखाते हैं हम जस्ट अभी। और इसमें से जो जो चीज़ मम्मी नहीं लेके आई है, वो चीज़ हमको आज ले लेना है, मतलब जाके हम कुछ काम भी है तो बाहर जाएंगे, तो जस्ट जो जो चीज़ इसमें से नहीं है जो इस लिस्ट में, वो हम लेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि मम्मी क्या क्या लेके आई है। वैसे मम्मी को हम बोल दिए थे कि मम्मी को कुछ कुछ चीज़ बोल दिए थे कि जाके आप ले लेना, बाकी चीज़ हम आराम से जाएंगे मार्केट में, हम खुद से ले लेंगे। तो अब दिखाते हैं मम्मी क्या क्या लाई हैं। मम्मी पोहा बनाने के लिए चूड़ा लाई हैं, देखिए हाई फाइबर पोहा वाला टाटा का है, तो ये ले ली हैं 500 ग्राम। और आपको दिखाते हैं मम्मी मेरे लिए क्या लाई हैं। ये लाई हैं एक ब्राउन ब्रेड लाई हैं, ठीक है, जो कि ब्राउन ब्रेड लिस्ट में है, पहले से देखो लिखा हुआ है यहाँ पर ब्राउन ब्रेड, यहाँ पर लिखा हुआ, देखो ब्राउन ब्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक ब्राउन ब्रेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 किलो हम मंगाए थे, ये 1 किलो मंगाए थे हम पीनट, ठीक है। तो ये हो गया 1 किलो पीनट। उसके बाद में 1 किलो मंगाए थे हम सोया चंक्स, ठीक है, ये 1 kg है सोया चंक्स। उसके बाद में ये 1 kg चना है, ठीक है, काला चना है, ठीक है। उसके बाद में ये 1 kg आई थिंक मटर है, ठीक है, उजला वाला मटर है 1 kg, ठीक है। और बाकी जो है दाल वाला है, ठीक है, जो हम दाल मम्मी से मंगवाए थे, तो ये सारा सामान है। और सोफोला का तो मेरे पास पहले से एक बड़ा सा 1 kg वाला ओट्स है ही मेरे पास, ठीक है, जिसमें 300 ग्राम का पैकेट फ्री जो दिया था। तो आप आपको लिस्ट में उसमें देख लेते हैं, लगा के टिक लगा लेते हैं उसमें, और जो जो मम्मी नहीं लेके आई है वो हमको लेके आना पड़ेगा। तो अभी हम जाएंगे पापा के, वैसे बाइक बहुत खस्ता हालत में, वैसे 2 महीने मतलब बाइक को छोड़ दिया था तो काफ़ी गंदा हो गया, तो उसको धुलवाना पड़ेगा। और उसको धुलवा के जो भी सामान मतलब नहीं है इस सारे लिस्ट में, जो चीज़ नहीं है वो हम लेंगे, ठीक है, जाके जस्ट। तो हम फिलहाल टिक लगा लिए, और जो जो बचा हुआ आपको दिखाते क्या क्या बच गया मेरे को, क्या क्या बाहर से लेना है। तो मेरे को लेना है बनाना लेना है, बीटरूट लेना है, ठीक है। और उसके बाद में हमको लेना है रोस्टेड चना लेना है, सोया सीड्स लेना है, डार्क चॉकलेट एक लेना है, एक रोस्टेड पीनट्स लेना है, ठीक है। और एक और चीज़ हम भूल गए हैं, वो है पीनट बटर। हाँ, वो कैसे भूल सकते हैं, वो ऐड किए नहीं, पीनट बटर एक और है। तो चलते हैं, फिलहाल रेडी होते हैं, बाहर निकलते हैं, और जितना भी सामान लिस्ट में नहीं है, जो मेरे घर पर नहीं है, जो मम्मी नहीं लेके आई हैं, वो सारा सामान हम लेके आते हैं। तो गाइस, ये रही बाइक, और बाइक की हालत देख लो। वैसे तो अभी हालत ठीक है, क्योंकि कल हम काफ़ी अच्छा पोछ तक मार्केट गए थे, तो सारा थोड़ा बहुत पोछे हैं, ठीक है, पर तभी बहुत गंदा है, देख रहे हो, इतना गंदा है कि जब तक इसे धुलवाएंगे नहीं, बारिश की वजह से सारा गंदा हो गया है, हल्का फुल्का जंग भी लग गया, देख रहे हो वहाँ पर स्टैंड पर, देख लो हालत, देख लो आप, हालत बहुत ख़राब है। जब तक धुलवाएंगे नहीं, मिट्टी यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक घुस गया है, देख लो कितना गंदा है, पता नहीं मिट्टी लगता है, आई थिंक ऊपर से बारिश हुआ है तो पूरा मिट्टी इधर उधर तक पूरा भर गया है। हालत देखो गाड़ी का, अब जस्ट बाहर निकाल रहे हैं, देख रहे हो कितना गंदा है। तो गाइज, हम गए थे बाइक धुलवाने, पर
वो अपनी शॉप बंद था और दूसरे शॉप पे गया, तो वहाँ बोले कि घंटा बाद निकले थे, घंटा बाद जाएंगे वहाँ पे बाइक धुलवाने। फिलहाल अभी हम ले लिए हैं चना, ले लिए हैं जो जो मेरे को चाहिए था चना, ठीक है। और ये केला दो दर्जन देख रहे, दो दर्जन केला ले लिए, रास्ते में मिल गया तो ले लिए दोनों चीज़। बाकी और जो चीज़ बाकी है वो बाद में लेंगे। तो गाइज मेरे को जो जो चीज़ मिला रास्ते में वो ले लिए, और जब बाइक धुलवाने फिर से जाएंगे तो बाकी सामान ले लेंगे। तो गाइज मम्मी बोल रही है कि 30 रुपये काफ़ी महंगा पड़ गया, वैसे 30 रुपये हमको एक दर्जन दिया तो हम दो दर्जन लिए 60 रुपये का, तो हम दो दर्जन ले लिए। अब हमको तो सस्ता ही पड़ा क्योंकि हम खरीदे थे 50 रुपये में कुछ दिन पहले ही, एक महीना दो महीने पहले, तो अभी हमको क्या पता। वैसे भी कौन जिससे मंथ चलाना है, दो दिन तो चलेगा ही चलेगा, एक दर्जन आज एक दर्जन कल, बात खत्म फिनिश हो जाएगा, फिर कर लेंगे जो मम्मी। अब हमको उतना मार्केटिंग नहीं आता यार, तो मम्मी जाएंगे अपनी खुद मार्केटिंग करेंगी, जैसा जो होगा देख करेंगे लाएंगे। और हमको जो पूछा है हम ले लिया यार, मेरे को सस्ता पड़ा क्योंकि मेरे को बहुत सस्ता था, जो इंसान 50 लेता था वो आज 30 में लेके गया, समझ रहे हो ना। तो गाइस फिलहाल अभी आए हुए हैं चाउमीन बनवाने, चाउमीन पैक हो रहा है मेरा देख लो, मंचूरियन रेडी होगा। बाइक का तो हालत वैसे के वैसे ही अभी धुलवाएंगे, बड़ा गंदा दिख रहा है हमको, बिना धुलवाए हुए तो हम चैन नहीं लेंगे, आज तो धुलवा ही देंगे इसको पूरा। तो गाइस फिलहाल सोने से पहले हम चना और मूंग फुला देते हैं क्योंकि कल सुबह सारा डाइट मतलब कि शेड्यूल वाइज करना है, और बिल्कुल भी मतलब होता है ना बिल्कुल भी कि मतलब प्रण ले लिए हैं कि नहीं डाइट फॉलो होगा ही होगा, डाइट को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है कि हाँ मतलब चलो कुछ भी कर लेते हैं जो भी पहले से करते थे वैसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब लगातार 3-4 मंथ जो भी हो हम लगातार वीडियो डालेंगे कल से, 7 तारीख से कल से, ठीक है। तो जाते हैं हम फुला लेते हैं फटाक देना चना और मूँग। तो गाइस अब हम चना और मूंग दोनों कटोरी में फुला लेंगे ताकि कल सुबह के लिए मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए। दो कटोरी डालेंगे, एक में चना डालेंगे एक में मूंग डालेंगे। तो एक मुट्ठी मूंग लेंगे हम, ठीक है, ज़्यादा नहीं एक मुट्ठी, और थोड़ा सा ले लेते हैं मूंग, ठीक है, दो मुट्ठी मूंग ले लेते हैं, ठीक है, और दो मुट्ठी चना, एक मुट्ठी में काम नहीं बनेगा, देखो एक मुट्ठी चना और एक मुट्ठी और चना, बस अब इसको ढक कर रख देंगे कल सुबह मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। तो गाइज आज पूरा दिन हमको डाइट को सारा मैनेज करने में लग गया, शेड्यूल बनाने में लग गया जो भी हो, और हम लगातार वीडियो डालेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि मतलब मैं अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या डाइट ले रहे हो तो हम बाद में दिखाएंगे आपको, कुछ दिन बाद अगर आपका अच्छा खासा मतलब कमेंट आएगा तो पक्का दिखा देंगे कि हम क्या क्या डाइट ले रहे हैं और मतलब कि कितने क्वांटिटी में ले रहे हैं, कितने ग्राम क्या क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी नहीं, जब तक कुछ रिजल्ट मेरे अंदर खुद नहीं दिखता है तो कल अपना सारा ओवरऑल दिखा देंगे कि मेरा क्या सीन है, मेरा क्या स्टेटस है मेरे बॉडी का, आपको सब दिखा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल अब सोने का वक्त हो चुका है क्योंकि सोना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और आज काफ़ी भागदौड़ था। तो फिलहाल ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।